प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। हाय, मैं उर्मिला कोरी, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। आज हमारे साथ है अक्षय ओबेरॉय। अक्षय फिल्मों और डिजिटल दोनों का सक्रिय चेहरा है। उनकी पिछली रिलीज वेब सीरीज इनलीगल काफी सराही गई थी। आइए जानते हैं उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स और उनसे जुड़ी तैयारी के बारे में। हाय अक्षय। हाय, कैसी हो आप? अच्छी हूँ मैं। बताइए क्या आप क्या कमाल और करने वाले, क्या आने वाला प्रोजेक्ट? यार, जो आने वाला वेब सीरीज है उसका नाम है फ्लैश। सिद्धार्थ आनंद जो वॉर के डायरेक्टर रह चुके हैं और ममता आनंद जो इनकी बीवी है, उन्होंने प्रोड्यूस की है वेब सीरीज। डायरेक्टर हैं इनके हैं दानिश असलम, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत बढ़िया डायरेक्टर भी हैं और हमने काम भी किया काफी सारा इकट्ठे। और इसमें मैं विलेन का रोल निभा रहा हूँ एंड स्वरा भास्कर इज अ कॉप, शी इज द मतलब प्रोटैगनिस्ट जिसको कहा जाता है। और हमारे कैट एंड माउस चेस है और फ्लैश ट्रेड के ऊपर आधारित है, तो अभी देखो क्या होने वाला है। इतना होमवर्क करना पड़ा, क्या था, क्या कैरेक्टर में थोड़ा डिटेलिंग में बता सकते हैं आप? यार, हर एक कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ तो होमवर्क करना पड़ता है। इसमें आई थिंक गुड़गांव के बाद, गुड़गांव जो मेरी फिल्म थी जो 2017 में रिलीज हुई थी, अगर गुड़गांव के बाद अगर मैंने कोई एकदम विलेनिस या खूनखार कैरेक्टर निभाया है वो ये कैरेक्टर है। तो इसके इसके माइंडसेट में जाना काफी मतलब समय लगता है यार, क्योंकि मैं असल जिंदगी में ठीक ठाक इंसान हूँ। मतलब मैं किसी को कुछ खराब नहीं करना चाहता और मैं मतलब अपने काम में मगन मस्त रहता हूँ। तो इसमें उस काइंड ऑफ स्पेस में जाना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप सुबह उठ के म्यूजिक सुनते हो, ख्याल आते हैं अलग अजीब तरह के, और वो लगातार वो चीज चलते रहती है जब तक आप शूट मतलब शूट तक नहीं पहुंचते हो। तो होमवर्क इस किरदार के लिए वो था। ऑल्सो मैंने बांग्ला सीखा है इसके लिए। अच्छा। क्योंकि जो किरदार है वो कलकत्ता में अपना फ्लैश ट्रेड चलाता है, तो कलकत्ता वो पहुंचा होगा जब वो 10-11 साल का था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बंदा बांग्ला में बात करेगा, मतलब स्पेशली जो तो उसके साथी जो मतलब जो उसके लोग हैं उनके साथ तो लाजमी सी बात है कि बांग्ला में बात करेगा। तो मैंने थोड़ी सी बंगाली सीखी इसके लिए और मैंने कान छिदवाए जो मैंने अभी तक रखा है। तो काफी सारी चीजें की इसके लिए यार, मैंने बहुत मेहनत की इस किरदार पे, बहुत मेहनत किया है इस किरदार के लिए। और अभी देखो क्या होता है, किस तरह सराहा जाएगा या नहीं सराहा जाएगा अभी देखा जाएगा। नेगेटिव किरदार कुछ असर छोड़ते हैं आपको एक एक्टर के तौर पे, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक प्रैक्टिस है, जैसे वर्जिश एक प्रैक्टिस होती है या योगा या मेडिटेशन। कैरेक्टर को छोड़ना सेट पे और घर आके अपना अपनी जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी बीवी ज्योति अक्सर कहती है मुझसे कि अभी तुम उसी में हो, अभी बाहर आ उससे, तू घर आ चुका है वापस। अक्सर ऐसे बातें होती है मेरे घर पे, बिकॉज मैं कभी कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप दिन भर 2400 घंटे उसी किरदार के बारे में सोच रहे हो, तो आपके सपने भी उस किरदार के आने लगते हैं, बातें भी उस किरदार के आने लगते हैं। अगर कोई एक्सेंट है, जैसे गुड़गांव में मैंने हरियाणवी बोली थी तो मैं हरियाणवी बोलने लग गया घर पे, बांग्ला में घर पे बोलने लग गया। और एक किरदार था, मुझे याद नहीं कौन से किरदार के लिए किया था मैंने, शायद लाल रंग में किसी फिल्म के लिए मैंने एक भारी आवाज में बात की थी, मतलब ऐसे बात की थी मैंने, तो हर एक मैं घर पे बच्चन साहब बन गया था, मतलब ऐसे बातें होने लगी। तो उसको छोड़ना और उसको उससे अलग होना बड़ा मुश्किल है यार। तो as I said, ये प्रैक्टिस है, जैसे एक्सरसाइज या दौड़ना या वर्जिश करना एक प्रैक्टिस है। कैरेक्टर को छोड़ना और अपनी जिंदगी में वापस आना उसके लिए एक प्रैक्टिस है। अच्छा, जैसे आपने कहा फ्लैश ट्रेड पे फिल्म है, तो कुछ ऐसा बोलते ना कि कुछ आई ओपनिंग टाइप में या फिर कुछ अलग सा हमको डिटेलिंग कुछ देखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है? आई थिंक बहुत सारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने गलत फायदा उठाया है सेंसरशिप का, मतलब जो क्योंकि हम वेब पे कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने जबरदस्ती की चीजें दिखाई हैं आपको। जो स्टोरी के हिसाब से जो लगा कि हाँ ये चीज जायज है, स्पेशली मेरे कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो फ्लैश ट्रेड चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली वो कुछ चीजें कर रहा है जो आपको बड़ी अनकंफर्टेबल करवा सकती है, पर हमने हमने दिखाई है वो चीजें, बिकॉज इट इज द वेब और हम वेब पे कोई सेंसरशिप नहीं है, तो हम दिखा पाए, लेकिन हमने जबरदस्ती कुछ नहीं किया है। हम मतलब हमारे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद, ममता आनंद बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। इरोस भी बहुत बड़ी कंपनी है,
बट आई थिंक इसमें बहुत सारी आई ओपनिंग चीजें मिलेंगी लोगों को, बिकॉज अगेन फ्लैश ट्रेड, नाम ही इतना टिटिलेटिंग नाम है यार, फ्लैश नाम ही हमने वैसा रखा है, तो जाहिर सी बातें ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, पर मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगा बिकॉज मैं चाहूंगा कि आप देखो उसको। अच्छा, अगर बात की जाए, आपने अभी कहा सेंसरशिप की बात, आपको लगता है कि डिजिटल पे सेंसरशिप होना चाहिए? बिकॉज काफी समय से ये बातें आ रही हैं कि बहुत कुछ अलग, मतलब ज्यादा दिखा दे रहे हैं, गाली गलौज या फिर कोई सीन्स, आपको क्या लगता है? यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं हमेशा सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में रहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे किरदार या मेरी जो स्टोरी है उसको कोई सेंसर ना करे, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। पर अगर मैं एज अ पॉलिटिशियन या नागरिक के तौर पे देखूं तो मैं चाहूंगा कि एज लॉन्ग एज जो लोग बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दानिश असलम जो इस चीज के डायरेक्टर हैं और जो भी लोग इस फ्लैश के जो हिस्से हैं, मैं चाहूंगा कि सब मतलब जिम्मेदार रहें, कि आप जबरदस्ती का कुछ कुछ मतलब, क्योंकि आपके पास सेंसरशिप नहीं है, आप सब कुछ दिखा रहे हो जो आपको दिमाग में आया आपने दिखा दिया, यू नो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली अगर ऐसे चलता जाएगा तो फिर गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको सेंसर करने लग जाएगी, और हम तो नहीं चाहते हैं ये। तो आई थिंक अगर एक दायरे में रह करके काम करेंगे तो आई थिंक सबके लिए बेहतर होगा। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि एज एन आर्टिस्ट मुझे सेंसरशिप अच्छी नहीं लगती है, बट फॉर द सोसाइटी बेहतर ये होगा कि सब लोग अपने ध्यान में रखें कि ज्यादा मत दिखा दो कि इवेंचुअली कोई आपके ऊपर दबाव डालने लग जाए। अच्छा, आपके डूज एंड डोंट रहते एक एक्टर के तौर पे अगर कुछ सीन्स को लेके? कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी कहवा लो, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक्टर बनने आया बॉम्बे, मैं स्टार बनने नहीं आया, मैं बहुत मतलब कि मेरे घर के बाहर एक भीड़ होनी चाहिए, ऐसी चीजों के लिए मैंने काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ काम किया है एज एन एक्टर, पहचान, मतलब ये पहचान में आएगी लोगों को कि यार ये एक्टर बहुत अच्छा है, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे कुछ भी करवा लो मैं कर लूंगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि डिजिटल ज्यादा मौके दे रहा है आपको, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे अलग अलग किरदार मिलते हैं, मुझे अलग अलग क्या कहते हैं कहानियां मिलती हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बॉक्स ऑफ स्टार नहीं हूँ, और मेरी जो भी फिल्मों में क्या वजह है जो मौके नहीं मिलते अच्छे एक्टर? यार फिल्मों का धंधा अलग है, फॉर एग्जाम्पल मेरी पिछली जो फिल्में आई है, पिज्जा, लाल रंग, काला कांडी, गुड़गांव, जंगली, जो भी फिल्में है वो उतनी चली नहीं बॉक्स ऑफिस। बहुत अच्छी थी। अरे थैंक यू यार, बहुत थैंक यू यार, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, लेकिन चली नहीं, मतलब ऑनेस्ट बात तो ये है कि बाद में चली, सैटेलाइट पे आकर के चली है चीज, या नेटफ्लिक्स पे आने के बाद चीज मतलब चली है। पर फिल्मों में क्या होता है कि इतना बड़ा बहुत बड़ा धंधा है यार, बहुत बड़ा कारोबार है वो, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक एग्जीबिटर होता है, तो वो भी देखेगा ना डिस्ट्रीब्यूटर की यार इसकी पिछली फिल्म तो मतलब इतना पैसा नहीं कमाई है, तो हम इसको शो टाइम क्यों दें, हम इसको अच्छे अच्छे सिनेमा स्क्रीन क्यों दें। वेब पे क्या होता है कि अगर आपने चीज बना ली, आपने छोड़ दिया वेब पे, अगर चीज बाकायदा अच्छी चीज है तो चल जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं चलेगी। तो ये अंतर बहुत मतलब मेरे जैसे एक्टर के लिए बहुत कमाल करता है, यू नो जिस दिन मेरी फिल्म 100 करोड़ करेगी या कोई मेरा बहुत बड़ा वेब सीरीज चल जाएगा तो फिर मुझे दोबारा बहुत बड़े बड़े मौके मिलेंगे फिल्म्स में, मुझे पता है, पर वो धंधा अलग, ये धंधा अलग, और मुझे ये ज्यादा ईमानदार धंधा लगता है वेब सीरीज का। अच्छा, किस तरह से आपने कहा ना कि एक मतलब फिल्मों से डिजिटल की ओर जिस तरह से गए, इस जो बीच में जो आपने इतना नाकामी जैसे आपने कहा फिल्में नहीं चली, तो उस दौरान किस तरह से अपने को पॉजिटिव रखा, आपने क्या मोटिवेट आपको करता रहा अक्षय का बात करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, और मुझे दोबारा ऐसा लग रहा है कि ये कोविड के टाइम पे दोबारा ऐसी चीजें आने लग रही है मेरे दिमाग में जो पहले आया करती थी, क्योंकि यार मैंने बहुत रिजेक्शन देखा है एज एन एक्टर, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई मेरे पास था नहीं, कोई गॉडफादर तो है नहीं, कोई कुछ मतलब इतने कुछ ताल्लुक भी नहीं थे किसी के साथ, तो मौके मिलने मतलब कभी कभार कुछ फिल्म आती थी मैं करता था, वो फिल्म चलती नहीं थी तो फिर मैं दोबारा उदास हो जाता था, फिर दोबारा स्ट्रगल स्टार्ट होती थी मेरी। जब से वेब सीरीज आने लगी और जब से मेरी एक दो फिल्में क्रिटिकली बहुत पसंद आई, लाल रंग, काला कंडी, गुड़गांव, ये 3-4 फिल्में जो आई, पिज्जा इवन, जो मेरा काम बहुत अप्रिशिएट हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा मेरा हौसला बढ़ गया, मैंने कहा यार तू एक्टर बनने के लिए आया था,
तू स्टार, तू शाहरुख खान बनने के लिए नहीं आया था, तो ठीक है ना यार, तेरे को अच्छा काम मिल रहा है, इंटरेस्टिंग काम मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम मिल रहा है, करते रहे। और जो भागवत में लिखा है या जो मतलब हमारे संस्कृति में है, जो मतलब सर नीचे करके फल के बारे में मत सोचो, कर्म करो, मैं वो चीज बोलता रहा यार। ये बोलना और करना बहुत अलग होता है, लेकिन कुछ तो था यार। आई थिंक मैं एक्टिंग से बहुत लगाव है मुझे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं एक्टिंग छोड़ के कुछ और करूं, तो मैं लड़ता रहा और आज तक यहाँ पहुंच गया। अच्छा, कभी कोई वियर्ड रिजेक्शन झेला है आपने, कुछ अलग ही मतलब वियर्ड? बहुत सुनने आता है कि आप कुछ भी वजह से आपको बोल देगी रिजेक्ट, तो ऐसा कोई वियर्ड रिजेक्शन आपने झेला है अपने करियर में? बहुत सारे यार, बहुत सारे। आप गुड लुकिंग हो, सब कुछ हो, फिर भी बोलते ना चीजें, कभी कभी कुछ अलग सी बातें सुनने मिल जाती है, तो कुछ ऐसा कभी यार बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तुझे ड्यू नहीं मिला है, जो तेरा जो ड्यू है ना, तू एक्टर अच्छा है, तेरी शक्ल अच्छी है, लेकिन तू उतना बड़ा स्टार नहीं जितना तुम्हें होना चाहिए। तो ये अक्सर मुझे सुनने में आता है, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। पर ये जो आप पूछ रहे हो, यस, मैंने बहुत बारी मतलब बहुत अजीब सी चीजें सुनी है यार। मतलब एक बारी मुझे याद है कि मैंने बहुत बड़ी फिल्म साइन की थी, और फिर मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई दूसरा एक्टर कर रहा है, और जब मैंने फोन किया उनको तो किसी ने उठाया नहीं। फिर कोई तीसरा बंदा जो मतलब हायरार्की पे जो तीसरे नंबर पे आता है, बैठा है उधर, मैंने उसको फोन लगाया कि दोस्त हुआ क्या, और उसने कुछ कहा, तेरी हाइट वो कैरेक्टर से मैच नहीं करती यार। तो मैं कहा यार एक्टिंग को ये तुम हाइट में कब से नापने लगे हो, मतलब ये क्या चीज है, मतलब उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, क्या बॉन एकदम बॉन, क्या मतलब क्या चीज क्या है? नहीं नहीं तुम 5'10" के हो और किरदार 5'8" का है। Oh my God. यार ये भी चलो पर मुझे तो बहुत दुख हुआ था, कि मैं उस वक्त आई थिंक 26 या 27 साल का था, और बहुत बड़ी फिल्म थी यार ये। अच्छा। तो चलो ऐसी चीजें बता सकते हैं कौन सी फिल्म थी अगर बता सकते? वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये आप भी जानते हो कौन सी फिल्म में हूँ, और मैंने चाहूंगा, लेकिन अगर वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको तो जरूर पता होगा, मतलब उनको तो याद ही रहेगा। अच्छा, अभी आपने कहा ऐसी चीजें बहुत होती हैं, कहने हाँ। का मतलब है कि ऐसी चीजें बहुत होती हैं। तो जो लोग आज की डेट में बोल रहे हैं ना कि मतलब नेपोटिज्म ये हाँ। वो, मैं मेरा मानना ये है कि अपना सर नीचे करो, काम करो, लगातार मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते रहो, काम करते रहो, आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, तो इतना जो नेगेटिव बातें आ रही है अभी, तो बहुत कुछ सुनने मिल रहा है, तो किस तरह से आप पॉजिटिव अपने आप को रखते हो इस सब ये सब दौर में, किस तरह? एक तो मैं सुनता नहीं हूँ। अच्छा, एक तो मैं मतलब मैं कोशिश करके जितना भी है मैं ये चीजें सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जंग लड़ रहा हूँ यार, ये जंग है मेरी। मैं जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा जहां मुझे जाना है या पहुंचना है, मैं लड़ते रहूंगा। ये बातें अगर सुनने लग जाऊंगा और मेरे दिमाग में चीज बैठ जाएंगी, तो मैं कैसे लड़ूंगा, समझ रहे हो आप? ये एक पैशन है मेरा, जो मैं अपने सपने पूरे करने के लिए आया हूँ। और अगर मैं लोगों की बातें सुनने लग जाऊं कि मतलब सिर्फ ऐसे लोगों को काम मिलता है, या सिर्फ ऐसे खानदान के जो मतलब हिस्से हैं उनको काम मिलता है, अगर ये मैं सुनने लग जाऊं, तो मतलब फिर तो कोई आयुष्मान खुराना जैसा आदमी बैठ ही जाएगा ना, वो आयुष्मान खुराना नहीं बनेगा मिसाल के तौर पर। मतलब वो भी तो आउटसाइडर ही था, और आई थिंक 2019 में सबसे बड़ी फिल्में उसी की हैं, राइट? तो आई थिंक सबको मतलब ऐसी बातें, ऐसी नेगेटिविटी बंद करके मतलब यहां से सुनो, यहां से निकालो, मुंडी नीचे करो, काम करो लगन के साथ, पैशन के साथ, और भूल जाओ यार कि कौन क्या कितना किसको क्या मिल रहा है, कौन से हक में क्या है, किसका क्या खाते में क्या लिखा है, सब भूल जाओ यार, काम करो बस। नहीं बोलते तो मैं भी इंडस्ट्री एक्स्ट्रा मतलब बैगेज देती है आपके मेंटल, मतलब बोलते ना बहुत ही मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हैं, ये सब भी बातें सुनने में आती है इंडस्ट्री को लेके, कि जो एक्टर है उसको बहुत कुछ बैगेज रहता है, तो आपका क्या कहना है इससे? नहीं यार, मुझे इंडस्ट्री बहुत प्यारी लगती है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे राइटर डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जो एक्चुअली ईमानदारी से एक्टिंग करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट करना चाहते हैं, जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो कला से उनको लगाव है, ना पैसों से, ना फेम से, ना किसी दूसरी चीज से, उनको एक्चुअली कला से लगाव है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मैं मतलब अपने आप को बहुत ही
सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने उन्हीं लोगों के साथ काम किया है, मतलब ऐसी मतलब जो मैंने काम किया इज इन पिज्जा, पिज्जा का डायरेक्टर 21 साल का लौंडा था, मतलब उसको सिर्फ वो दिन भर रातों मतलब 24 घंटे वो सिर्फ फिल्मों की बात करता है, वो सूंघता सिनेमा है, मतलब ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया है, मतलब पंकज त्रिपाठी साहब के साथ, संजय मिश्रा के साथ, रणदीप हुड्डा के साथ, सैफ अली खान के साथ, जो लोग एक्चुअली उनको इस कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से लगाव है। तो मैं और अपने जो दायरे के लोग हैं, जो मेरे दायरे के लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों को अपने पास रखता हूँ जो लाइक माइंडेड है इस थॉट में, कि वो भी सिर्फ सिनेमा को पसंद करते हैं, ना कि जो मतलब बकवास चल रहा है मार्केट में। तो जो मेरे घर पे लोग आते हैं, ऐसी बातें नहीं होती हैं कि अरे वो फिल्म ने 150 करोड़ कमाई है और वो बहुत बड़ा स्टार बन गया और ये इसकी फिल्म पिटने वाली है, ऐसी बातें नहीं होती मेरे घर में। मेरे घर में ऐसी बातें होती, तुमने कौन सी फिल्म देखी है, तुमने क्या सीखा उस फिल्म से, तुम क्या करना चाहते हो, कौन सा किरदार निभाना चाहते हो, ऐसी चीजें, ऐसी बातें होती है मेरे घर में। अच्छा, इंडस्ट्री में किसी को अपना मेंटर आप करार दोगे, किसी को जो आपको हेल्प गाइड करता है, कुछ? कोई नहीं, काश कोई होता, आप बन जाओ। काश कोई होता, मेरे पास बहुत ही करीब दोस्त है, जैसे गुड़गांव के डायरेक्टर हैं शंकर रमन, मैं उनसे काफी बात करता हूँ। मेरे सबसे अजीज दोस्त जो बचपन का मेरा चड्डी वड्डी मान लो, इमरान खान जो एक्टर हुआ करते थे एक जमाने में, अभी तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है, उनसे बहुत बातें होती हैं। आमिर खान के बच्चे, यस यस यस, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं यार, मैं हम एक दूसरे को 17-18 साल से जानते हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो उनसे काफी बातें होती हैं, मेरे फादर के साथ काफी बातें होती हैं, मेरी बीवी के साथ काफी बातें होती हैं, पर कोई मेरा मेंटोर नहीं है। काश कोई होता यार, मैं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से अपने आपको आपने बिजी रखा, क्या किया, कुछ नई चीजें सीखी, क्या किया आपने? यार मैं चीजें तो बहुत सीखी यार, क्योंकि दिमाग तो चलता रहता है सबका, और इस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की है कि मैं कहाँ से आया, मैं क्या बनना चाहता था या क्या बना क्या नहीं बना, ऐसी चीजें तो चलते जा रही है। पर मैं ज्यादातर, मेरा 3 साल का एक बच्चा है अवियान, और पिछले 2-3 सालों से मेरा जो टेक ऑफ हुआ है करियर का, जो फाइनली टेक ऑफ हुआ है इतना संघर्ष के बाद, मैं घर पे कम रहता था। अच्छा। और इस लॉकडाउन की वजह से जबरदस्ती मैं घर पे बैठ गया, तो अब मैं दिन भर अभियान के साथ रहता हूँ और सुबह से लेके शाम तक, मतलब मैं अभी उसी के साथ था, फिर आपको फोन करने के लिए आ गया इस कमरे में। उससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी यार, एकदम बच्चे बहुत खूबसूरत चीज होती है यार, उनको कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, उनके अंदर इतनी मासूमियत है। तो आई थिंक जो ब्रेक मिला ना मुझे, जो गैप मिला है, आई थिंक जब मैं वापस जाकर के काम करने लग जाऊंगा तो मैं और बेहतर एक्टिंग करने लगूंगा, क्योंकि जितना इंसान अपने अपने आप को जानने लगता है ना, उतना बेहतर वो एक्टिंग करने लगता है। तो इस लॉकडाउन मेरे बच्चे के जरिए मैं अपने आप को ज्यादा जानने लगा हूं, तो आई थिंक मेरे काम में बहुत फर्क आएगा अब। अच्छा, शूटिंग शुरू करने वाले हैं अभी आप, क्या ब्रेक मतलब भी नहीं करेंगे? यार मैं बिल्कुल, जब भी प्रोड्यूसर्स रेडी हैं मैं तो बिल्कुल मतलब रेडी हूँ, आप मुझे बस फोन करिए, मैं पहुंच जाऊंगा। बातें चल रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि अभी सितंबर अक्टूबर में चीजें स्टार्ट होने लगेंगी। आई थिंक टीवी सीरियल्स तो ज्यादातर स्टार्ट हो चुकी हैं, बट वेब एंड फिल्म हैव नॉट स्टार्टेड, पर सुनने में आ रहा है कि सितंबर अक्टूबर में हम शूट करेंगे। और अगर ये सच्चाई है कि अगर एक्चुअली हम सितंबर अक्टूबर में शूट करने लगेंगे, तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा सेट पे यार, क्योंकि मैं बड़ा भूखा एक्टर हूँ और अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, कुछ और प्रोजेक्ट जो आप बता सके, क्या पाइपलाइन में है जो आएंगे, जो रिलीज पे हैं? इसके बाद एक शो आएगा मैजिक करके, आई थिंक हाल ही में मैजिक का नाम चेंज हुआ, आई थिंक उसको हाई, जैसे मतलब कोई नशा चढ़ गया हाई उसका टाइटल होगा। उसमें मैं, रणवीर शोरे और श्वेता बासु प्रसाद है। ये MX प्लेयर के लिए है, इट्स बीन डायरेक्टेड बाय निखिल राव, जो जैमिक फिल्म्स एक बहुत माने जाने एड फिल्म मेकर हैं। बहुत ही बढ़िया सीरीज है यार, उसमें मैं एक नशेड़ी का रोल निभा रहा हूँ, और ये एकदम मतलब हार्डकोर नशेड़ी, फिर वो अपना खुद का ड्रग इजाद करता है, फिर वो ड्रग बेचने लगता है ब्लैक मार्केट पे, तो वो एक शो है। उसके बाद मैडम चीफ मिनिस्टर आएगी, जो मैं, रिचा चड्डा, मानव कौल, सौरभ शुक्ला, जो सुभाष कपूर की फिल्म है, जो जॉली एलबी 1 & 2 के डायरेक्टर है,
उसके बाद एक फिल्म आएगी सुशी गणेशन की रीमेक, एक साउथ इंडियन फिल्म है तेरे टू पायल है, उसकी हमने हिंदी रीमेक की है, उसमें मैं विनीत सिंह जो मुक्काबाज के जो हीरो थे और उर्वशी राउटेला वो भी मतलब उसकी डबिंग अभी हम कर रहे हैं, चल रही है डबिंग। और उसके बाद Amazon Prime XL की एक सीरीज है इनसाइड इट सीजन 3, उसमें मैं क्रिकेट खेलते हुए नजर आऊंगा। और बस और एक फिल्म है केटीना जो मैं और दिशा पाटनी है उसमें, इट्स रोमांटिक चिक फ्लिक काइंड ऑफ मूवी, वो एकता कपूर ने प्रोड्यूस की है, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़ गई थी बीच में, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कब स्टार्ट होगी दोबारा, तो हमने कुछ 10-11 दिन शूट किए थे उसके, पर बाकी जो मैंने लिस्ट बोला आपको वो कंप्लीट हो चुकी है फिल्में। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी, इसके बाद एक नजर आएंगे मतलब। कोशिश तो वही है यार, इतना काम कर लो कि कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करेगा आपको नजरअंदाज, आप बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू आपने मुझे बुलाया, बहुत मजा आया, थैंक यू और मिलते रहेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।